रमजान नासर भाई और अबू बकर भाई दोनों मौजूद हैं। चले मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाता हूँ, मेले का माहौल। मेले में आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी। तो ये भी झूला है, हर मेले में आपको ये गाड़ी जो है ना वो ज़रूर मिलेगी। अस्सलामुअलैकुम, आपका मेज़बान मुदस्सिर इकबाल आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज मैं आपको एक मेले के बारे में बताऊँगा जो तहसील शकरगढ़ में शबर बंगू में मौजूद है। तो वहाँ पर काफ़ी बड़ा जो है ना वो मेला लगा हुआ है, काफ़ी लोग यहाँ पर ना सैर व तफरीह के लिए आए हैं। तो चले हम मेले का विज़िट करते हैं, दिखाता हूँ आपको कि मेला देखने में कैसा और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है और लोग क्या क्या एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चले हम चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। ये सबसे बड़ा झूला ही हुआ ना, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर कि 20 डोरियों वाला झूला है। तो यहाँ ये आप झूला देख रहे हैं 20 डोरियों वाला, लोग झूले लेने के लिए बेताब है सभी। उसके बाद आगे भी आप देख सकते हैं एक झूला आगे भी लगा हुआ है। तो मज़ीद आगे काफ़ी कुछ जो है ना वो लगा हुआ है, काफ़ी कुछ चीज़ें देखने वाली है, इंटरेस्टिंग है। चले मैं आपको वो चीज़ें भी दिखाता हूँ। चले हम चलते हैं आगे के आगे और चीज़ यहाँ पे क्या मौजूद है। ये देखिए माशाल्लाह छोटे छोटे बच्चे जो है ना वो जंप के ऊपर जो है ना वो जंप लगा रहे हैं। और उसके बाद ये भी जंप है, यहाँ भी लोग जो है ना जंप लगा रहे हैं। तो ये भी एक झूला है, यहाँ पे बच्चे जो है ना वो झूला लेने के लिए झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। तो ये सबसे बड़ा झूला ही हुआ ना, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर मेले का माहौल। मेले में आपको ये चीज़ें ज़रूर मिलेंगी सभी, ये आप देख झूले हैं सभी। ये भी देखिए अच्छा, और आगे भी काफ़ी कुछ जो ना मौजूद है देखने वाला जो इंटरेस्टिंग ही होगा। आवाज़ तो आप सुन ही रहे हैं कि मैं इस वक्त कौन सी जगह पे मौजूद हूँ। तो ये क्या है यार, ये चिड़िया घर ही यहाँ पे डिसम्बर जो है वो रखी गई है। काफ़ी लोग जो देखने के लिए जानवर जिन्हें भी बार फोटो लगे पैने तस्वीर लगी पे अंदर सब जानवर। तो ये भी झूला है, ये आप देख रहे हैं बच्चे जो है वो झूले लेने के लिए झूले के ऊपर बैठे हुए हैं। और इसके पास एक और बड़ा झूला है, तो मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा ये कौन सा झूला। ये डोलियों वाला झूला है और तकरीबन इसकी 20 डोलियाँ हैं, तो काफ़ी बड़ा झूला है ये सब। तो काफ़ी बड़ा मेला यहाँ पे, मैं हर चीज़ के बारे में आपको बताऊँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।
यहाँ पे एक गवाही भी आए हैं जो गाने नहीं गाते, वो भी सभी लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं और यहाँ पे शो भी होगा उनको। तो मैं अगली वीडियो में आपको ज़रूर सब जो है ना बताऊँगा कि यहाँ पे कौन कौन सा जो है ना रगार आ रहा है और यहाँ पे क्या ना कौन कौन से गाने वो गाए गए हैं और यहाँ पे लोग जो है ना कितने लोग यहाँ पे जो है ना सरतफियात के लिए आए हैं और क्या यहाँ का माहौल है, सभी वीडियोज़ में आपको मिल जाएगा। हर मेले में आपको ये गाड़ी जो है ना वो ज़रूर मिलेगी, ये आप देख रहे हैं। इसके बाद आगे भी एक चिड़ियाघर है, तो देखते हैं कि यहाँ पे इस चिड़ियाघर में क्या क्या चीज़ रखी गई है। फ़ोटो जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लगाई गई है और हर मेले में ये ट्रेन भी आपको मिलेगी, ये आप ट्रेन देख रहे हैं और बच्चे खूब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। यह ट्रेन का झूला बहुत मज़े का होता है बच्चों के लिए। यहाँ पे लोग जो है ना दरबार के लिए चादरें लेके आए हैं, चादरें चढ़ाने के लिए, ये आप देख रहे हैं। सबसे बड़ा झूला कश्ती का, तो ये इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं तो जो है ना बहुत कम इसके ऊपर झूला लेता हूँ। कमेंट्स में आप मुझे सब बताना है कि क्या आपने झूला लिया उससे कश्ती का, तो मुझे प्लीज़ या ना कमेंट में जरूर बताना कि आपने झूला लिया कि नहीं लिया। तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, आप मुझे बताना कि आपको इस कश्ती के ऊपर झूला लेना पसंद है। तो काफ़ी बड़ी कश्ती है यार, बच्चे बहुत ज़्यादा खुश है, चंप के ऊपर जो है चंप लगा रहे हैं, बहुत खुशी के साथ लगा रहे हैं बच्चों को, ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। चिड़ियाघर के बाहर एक बहुत ही प्यारा परिंदा जो है ना, शायद ये परिंदा ही है, तो ये आप देख रहे हैं, तो ये सामने चिड़ियाघर है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको विज़िट कराऊंगा हर चीज़ का कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें रखी गई हैं। काफ़ी बच्चे जो है ना, काफ़ी लोग जो है ना यहाँ पे देखने के लिए आए हैं। तो यहाँ पे मौत का खूब है ना वो भी लगाया गया, वो भी यहाँ पे मौजूद है, ये आपने स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, यहाँ पे मौत का खूब भी मौजूद है। मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको बताऊंगा कि यहाँ पे कर्तव्य क्या क्या किए जाते हैं और यहाँ पे कर्तव्य कौन कौन से होते हैं। तो चले मैं आपको अभी जो है ना मेले के सेंटर में मौजूद हूँ, तो पूरे मेले का आपको विज़िट करवाता हूँ, चले यहाँ से शुरू करते हैं। तो ये आप सब चीज़ें देख रहे हैं, ये देखे बच्चे इन्जॉय, आगे आप झूला देख रहे हैं, तो ये सभी चीज़ें आपको आसानी यहाँ पे खड़े हो के पूरे मेले का विज़िट कर सकते हैं, पूरा मेला यहाँ खड़े हो के आप देख सकते हैं। तो ये भी झूला बहुत बड़ा, ये झूला भी जो है ना आप देख रहे हैं वो चल रहा है, बच्चे जो है ना इंजॉय कर रहे हैं और बड़ा झूला जो है ना वो भी मेरा यकीन है कि वो चलना शुरू हो गया। तो ये आप देख रहे हैं खिलौने बच्चों के खेलने के लिए चीज़ें, काफ़ी खिलौने यहाँ पे। मैं विज़िट करवाता हूँ आपको बाज़ार का, यहाँ पे बाज़ार बना हुआ है पूरा, तो ये आप बाज़ार देख रहे हैं, यहाँ बाज़ार में विज़िट करवाता हूँ पूरे बाज़ार का कि यहाँ पे क्या क्या खिलौना है मौजूद, आप देख रहे हैं सभी। आप मुझे ये भी कमेंट्स में बता सकते हैं कि आपको कौन सा खिलौना पसंद है, तो आप कौन से खिलौने के साथ खेलना अच्छा समझते हैं। और यार यहाँ पे तो खन्ने लगाएंगे बच्चों के लिए, ये देखिए काफ़ी जो है ना वो गन्ने हैं, गाड़ी भी काफ़ी बड़ी बड़ी यहाँ पे मौजूद है। और ये सब मेले के ऊपर काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो बच्चों के लिए लगाई गई हैं, क्योंकि बच्चे अक्सर इन चीज़ों से खेलना बहुत अच्छा समझते हैं। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह कितनी कितनी प्यारी गाड़ी हैं और काफ़ी चीज़ें जो है ना, यहाँ तक ज्वेलरी का सामान भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा है और काफ़ी ज़्यादा जो है ना रश है यहाँ पे। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह खिलौने भी बहुत प्यारे प्यारे हैं और इनकी कीमतें तो आप सुन के सभी हैरान हो जाएंगे कि इनकी कीमतें क्या हैं। ये आप देख रहे हैं कितनी कितनी बड़ी गन्ने यहाँ पे मौजूद, टेडी भी आप देख सकते हैं। ये सब सामान बच्चों के लिए। दरबार पे जाने से पहले आपको ये मस्जिद मिलेगी और आप चलेंगे दरबार की तरफ, तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रश, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना यहाँ पे आए हैं। चले हम चलते हैं दरबार की तरफ, के दरबार पे
लोग कितने हैं और यहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है। और यहाँ पे लोग जो है ना ढोल, तो आप सुने ढोल की आवाज़, तो ढोल जो है बज रहा है। तो यहाँ पे लोग चादरें चाड़ने के लिए आते हैं। तो यहाँ पे ना भंगड़ा भी जाता है, भंगड़ा के थोड़ा सा आपको विजिट करता है, दिखा दो भंगड़ा कैसे जाता है। मेले के ऊपर आपको हर चीज़ मिल सकती है, हर चीज़ आप ले सकते हैं। यहाँ पे आके मैं आपको दरबार का जो है ना हदूद है उसके बारे में थोड़ा बताऊंगा। दरबार की हदूद, एक ये दरबार है और एक आप ये देख रहे हैं ये दरबार। यहाँ पे काफ़ी रश है, काफ़ी ज़्यादा लोग जो है ना, अभी रश इतना नहीं है क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है ना धूप है और गर्मी बहुत ज़्यादा है और बहुत कम जो है ना रश है। और मज़ीद जब रश होगा मैं उसके बारे में आपको बताऊँगा यहाँ पर रश कितना है। और यहाँ पर लोग जो है ना काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं, ये आप देख रहे हैं। और रश यार काफ़ी ज़्यादा होगा, अभी नहीं, अभी गर्मी की वजह से लोग ज़रा थोड़े से कम है। तो मेरे साथ नासिर भाई और अबू बकर भाई दोनों मौजूद हैं, इनके गांव में मेला है। तो चलिए हम इनसे बात करते हैं, पूछते हैं ये हमें मेले के बारे में क्या बताते हैं। तो बहुत ज़्यादा शोर है। तो यार हमें बहुत ज़्यादा खुशी है कि हमारा मुदस्सर भाई हमारे पास आए हैं, हम तो मुदस्सर भाई का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। तो चलिए हम अबू बकर भाई से बात करते हैं। अबू बकर भाई हमें क्या बताते हैं। तो यार गांव में मेला काफ़ी ज़्यादा मज़ा रहा, काफ़ी ज़्यादा इंजॉय हो रहा और यहाँ पे यार रश भी काफ़ी ज़्यादा। तो यार मैं आपको ये बताऊँ कि रश तो जो है लेकिन यहाँ पे शोर बहुत ज़्यादा, आवाज़ की समझ बिल्कुल नहीं आ रही होगी आपको भी। तो चलिए हम मजीद आप बताइए नासिर भाई आपके कहते हैं। जिसने अभी तक मुदस्सर भाई के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार मुदस्सर भाई के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को जरूर लाइक करना। तो नेक्स्ट अगली वीडियो में पार्ट टू में आपको पूरे मेले का विजिट कराऊंगा, दिखाऊंगा यहाँ पे क्या क्या चीज़ मौजूद है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। इतने भी अपने भाई मुदस्सर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।